गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल वंदनास डेली ब्लॉग। आज है 25 अक्टूबर तो दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सबको मैं दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ, सब अच्छे से रहिए। तो फ्रेंड्स मैं आ गई किचन में और आप लोगों को एक चीज़ दिखाना था। मैं ये मटका लाई थी चाय पीने के लिए, तो बहुत ही प्यारा है मटका, तो सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये मुझे मिला था 35 करके एक का, 100 में 3 दे रहे थे लेकिन मुझे 3 नहीं चाहिए, लेकिन नहीं आई मैं, फिर बाद में कभी लाऊंगी। मैंने बस 2 ही लाए तो अच्छा लगा मुझे। मैं सोच रही थी इसी में अभी चाय पियेंगे क्योंकि ग्लास में उतना अच्छा नहीं दिखते हैं, ग्लास में पीने का तो मज़ा और ही है, फिर भी कभी कभी इसमें भी पीऊँगी, तो पीऊँगी चाय ऐसे करके पीऊँगी। देखिए मैं बाबू के साथ थोड़ा सा लेटी हूँ क्योंकि उसको भी टाइम देना ज़रूरी है। बेटी को थोड़ा पापा लिया है तो बाहर थोड़ा घुमा रहे, तो मैं थोड़ा सा बाबू को शिशु प्यार कर रही हूँ, शिशु प्यार कर रही हूँ, है ना, वो शिशु से प्यार कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लड़का है ये मेरा, बहुत अच्छा बेटा है ना, अच्छे से पढ़ाई भी करता है, अच्छे से स्कूल जाते हैं, स्कूल में बदमाशी एकदम नहीं करते हैं। स्कूल में सब लोग बोलते हैं, उसका मिस लोग बोलते हैं कि ये बात ही नहीं करता है, सब पूछते हैं तो एकदम चुपचाप रहते हैं, बात नहीं करते हैं, स्कूल में शांत रहते हैं एकदम। तो आज ये पहनूंगी मैं, ये मैं रेडी करके रखी हूँ दिवाली के लिए। आज क्या पहनूंगी, पाही के लिए फ्रॉक रेडी करके रखी हूँ। ये फ्रॉक पाही की बर्थडे पे मिली थी, मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था पाही को, और ये हम तो आज ये पहनूंगी मैं। देखिए फ्रेंड्स मैं तैयार हो गई हूँ, तैयार अभी मैं सुबह नहीं दोपहर का ही टाइम हुआ है क्योंकि मेरी बिल्डिंग में जो नीचे मेरी फ्रेंड रहती है उसने बुलाया था, उन लोग मराठी है तो उन लोगों के मराठी में आज हस्बैंड को पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो उसने मुझे भी बुलाया कि आ जाओ एक साथ आरती करेंगे, तो रेडी हो जाओ। तो हम लोगों को तो ऐसा नहीं होता है, फिर भी बुला रहे थे तो मैं रेडी होके जल्दी से नीचे चली गई आरती करने के लिए हस्बैंड की। तो पहली बार था मेरा ऐसा आरती का वीडियो अच्छा नहीं बना था, इसीलिए मैंने फ़ोटो ऐड कर दिया है। तो मैं उनके घर में आरती करके थोड़ा सा उनके घर पूजा किया, जो भगवान रखा था थोड़ा सा प्रार्थना करके प्रार्थना किया ताकि सब अच्छा रहे, दिवाली अच्छे से सब लोग मनाएं, और साथ में पाही भी मेरे साथ पूजा कर रही थी। मैं उनके घर से आके, मेरी फ्रेंड के घर से आके, तो मैं मेरी पूजा के लिए मैं रेडी कर रही हूँ क्योंकि शाम को पूजा करना था, आरती मैंने सुबह कर लिया। फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी रेडी कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को शाम की पूजा। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा पूजा की तैयारी हो गई है, जल्दी जल्दी मैंने किया क्योंकि पाही भी बीच बीच में आ रही थी, तो एकदम से मैं जल्दी जल्दी रेडी किया और मैं लक्ष्मी जी की पाठ पढ़ी हूँ थोड़ा सा और पूजा की हूँ। तो फ्रेंड्स मैं पूजा करके मैं सोच रही थी कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कैसे थोड़ा सा मैंने फूल वूल लगाया, तो दौर में फूल लगाया मैंने। मेरे पास इतना सामान नहीं है, फिर भी जितना है उतने से ही मैं सजाया, थोड़ा ये थोड़ा सा छोटा सा दिवाली का रंगोली बनाया और ऐसे लाइट लगाया मैंने, बस वही था। और पूजा का घर थोड़ा सजाया ऐसे, पूजा का ये है मेरा पूजा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यही पेन करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग देख के अच्छा लग रहा है नहीं इसमें, फिर भी आप लोग देखिएगा जरूर क्योंकि पाही की तबीयत ख़राब होने के वजह से मैं अच्छे से नहीं ब्लॉग बना पाई, वो दिन भर मेरी गोदी में रही,
थोड़ा काम कर रही हूँ तो उसको ले रही हूँ, तो ऐसे करते करते मेरा टाइम ही निकल गया। फिर भी जैसे तैसे मैंने थोड़ा पूजा किया शाम के टाइम, भाई के पापा ने थोड़ा उसको संभाल दिया, बाहर लेके गई थोड़ा घुमाने के लिए, तब थोड़ा बैठी हूँ अभी। तो अभी प्रसाद खाएंगे, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। मैं भी एक फुलझड़ी जलाती हूँ क्योंकि दिवाली है, एक तो फुलझड़ी जलाना चाहिए, तो एक मैं भी फुलझड़ी जलाती हूँ। और क्या करूँगी, खाना बनाऊँगी, खाऊँगी, सोऊँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको सबको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद बाय।